रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट के तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था। उस ऑर्डर को पास करने के बाद से स्टेट में जो महिलाएं या जो स्टूडेंट्स हिजाब पहन के कॉलेज या स्कूल जाते थे उनको बैन कर दिया गया था कि कॉलेज या फिर स्कूल में हिजाब पहन के नहीं आना है। तो उस ऑर्डर में क्या ऐसा लिखा था, उस ऑर्डर में कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये लिखा था कि जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं, ठीक है, वो जो हिजाब पहनती हैं वो इस्लाम में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है। तो जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी वहां कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसको डिसमिस किया और कहा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज या स्कूल में हिजाब नहीं पहन के आएंगे। लेकिन अब इसी पिटीशन को, इसी ऑर्डर को क्या किया गया, चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और एक एक स्टूडेंट जो है, नई स्टूडेंट है, उन्होंने एक पिटीशन जो है वो फाइल की है इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अभी हिजाब में केस में